राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आया है। शिया वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। शिया वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा है कि विवादित जमीन पर राम मंदिर बनना चाहिए और उसे थोड़ी दूर पर मुस्लिम इलाके में मस्जिद बनाई जानी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अति पवित्र जन्मस्थली से ठीक ठाक दूरी पर किसी मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जाए। शिया बोर्ड का ये भी कहना है कि बाबरी मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी जो शिया था, इसीलिए मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड की बजाय शिया वक्फ बोर्ड को पक्षकार बनाया जाए। वहाँ भी अजान के लिए लाउड स्पीकर, मंदिर भी अपने परफॉर्मेंसेस के लिए, रिलीजियस परफॉर्मेंसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे लाउड स्पीकर। दोनों स्थिति में इन दोनों समुदायों की तरफ से लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने पे एक दूसरे की रिलीजियस परफॉर्मेंस में डिस्टरबेंस हो सकती है और ऐसी स्थिति में झगड़ा उत्पन्न होना संभव है। इस वक्त इनका कुछ कहना जजमेंट के खिलाफ, हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें ये होल्ड हो चुका है कि एक तिहाई हिस्सा मस्जिद को दिया गया है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।